सर्कुलेटरी मसाज है, ये है क्या, बेसिकली इसकी जरूरत क्या है, उसके बारे में मैं आपके साथ में कुछ बातें करूंगा और इसको थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा और हम बहुत नट सेल में इसकी बात करेंगे। हमारा जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो उसमें एक कंपोनेंट्स है ब्लड, जो खून है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का या हमारे जिंदा होने का सबूत है। अगर ब्लड है तो हम जिंदा हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड दो चीजें होती हैं, एक होता है एनर्जी और एक होता है ब्लड, और ब्लड से ही एनर्जी फ्लो होती है। सो इसको टीसीएम में ची कहते हैं, ची एनर्जी को। अगर हम टीसीएम में बात करें, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशंस जो 5000 पुराना जो सिस्टम है, उसमें ची और ब्लड को कंबाइन करके बताया, और अगर हम मॉडर्न साइंस में उसको लेके जाएंगे तो वो हमारा आज का इम्यून सिस्टम कहलाता है। अगर हमारा ची और ब्लड प्रॉपर है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ब्लड क्या काम करता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है, और अरबों कोशिकाएं होती हैं हमारी बॉडी में। कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, और जब टिश्यू एक तरह का काम परफॉर्म करते हैं तो फिर उससे ऑर्गन्स बनते हैं, यानी अंग बनते हैं, और ऑर्गन्स मिला के जब कुछ ऑर्गन्स मिलते हैं और एक पार्टिकुलर काम को परफॉर्म करते हैं तो तब सिस्टम बनता है, और एक सिस्टम जब कई सारे सिस्टम होते हैं तो एक बॉडी बनता है। तो यहाँ पे भी सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है, और हमारे बिजनेस में भी सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या चीज है, यानी कि अगर मैं उल्टा चलूं तो बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं, और एक सिस्टम में कई सारे अंग यानी ऑर्गन्स होते हैं, और एक ऑर्गन में कई सारे टिश्यू होते हैं, और एक टिश्यू में बहुत सारी असंख्य सेल होती हैं जो एक तरह का काम परफॉर्म करती हैं। आप समझ पाए होंगे दोनों तरफ से। तो हमारा एक सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। अगर हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज को पहुंचाना है एक जगह से, यानी पैर से सर तक अगर किसी चीज को पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारी रोडें ठीक हैं, ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, या एयरवेज ठीक है, या हमारा रेलवे ठीक है, तो हमारी देश का जो अर्थव्यवस्था है बहुत अच्छी रह जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। वैसे ही हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो उसका जो मेन कंटेंट्स है वो होता है ब्लड। अब देखिए, हमको हर बॉडी के हर पार्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, तो इस एनर्जी को फ्लो कौन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में जो है ब्लड है, तो ये ब्लड हमारी बॉडी में पूरा एनर्जी फ्लो रखता है। इसके साथ साथ अगर हमने कुछ भी खाया तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टोमक में गया, पेट में गया, पेट से इंटेस्टाइन में गया, और वहां से अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अब्जॉर्प्शन चालू हो जाता है हमारे सलाइवा, माउथ से, ट्रेकिया से, स्टोमक से और इंटेस्टाइन से, और ये सारा अब्जॉर्प्शन जाके फिर ये ब्लड में जाता है। इसमें से कुछ मेन मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए एसेंशियल हैं, जरूरी हैं, वो ब्लड में जाते हैं, और ब्लड उनको लेके हर कोशिका तक पहुंचाता है, जिससे वहां पे एनर्जी डेवलप हो सके और एनर्जी का फ्लो हो सके। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है जो हमारा खाना है, या इसमें प्रोटीन है, ये सारा की सारे चीजें, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, एक पार्ट हो गया। दूसरी चीज, अगर हमारा जो एंजाइम सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको कहते हैं, जिसमें एंजाइम डेवलप होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो जो एंजाइम्स हैं उनको भी हर पार्ट में पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसके साथ साथ हमारा जो सेंसेशन है, बॉडी में सेंसेशन है हमारा, यानी कि हमको फीलिंग जो होती है, मान लो आपके पैर में कांटा चुभा, तो वो फीलिंग कहां से आएगी, वो सेंसेशन, यानी कि वो जो एनर्जी स्नैप से चलेगा वो आपके न्यूरॉन्स से चलेगा, न्यूरॉन्स,
और ये न्यूरॉन्स के लिए भी जो एनर्जी जाएगी वो भी सारा सर्कुलेटरी सिस्टम से जाएगी। अगर कहीं ब्लड नहीं जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सेल में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वहां पे एनर्जी डेवलप नहीं होगी, और एनर्जी डेवलप नहीं होगी तो वो सेल डेड हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी तो टिश्यू पे असर आएगा, मल्टीपल सेल मर जाएंगे तो टिश्यू डैमेज हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो वहां का ऑर्गन्स यानी अंग खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक ऑर्गन खराब हो गया तो वो सिस्टम पे इफेक्ट आ जाएगा, पूरा जो तंत्र होता है सिस्टम होता है वो सिस्टम खराब हो जाएगा, और अगर एक सिस्टम खराब हो गया तो पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो आप समझ पाए होंगे कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका हमारी बॉडी में कितना बड़ा रोल है। अगर मान लीजिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए या प्रॉपर तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम ना चले, तो क्या चीजें, जो भी चीजें यानी खाने के न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स और जितनी भी सारी एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें या न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, और अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारा बॉडी डैमेज हो जाएगा। तो इतना बड़ा रोल है हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब ये सिस्टम कैसे प्रॉपर रहेगा? ये ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, तो एक एक हमारी बॉडी में हार्ट होता है, हार्ट जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है, और वो वहां से पंप करता है ब्लड को, और ब्लड पंप होके पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी में जितना भी ऑक्सीडेशन हुआ, जितना भी टॉक्सिन्स हुआ, उसको कलेक्ट करके दोबारा से हार्ट में आके पंप होता है, और वहां से किडनी में जाता है, किडनी से एक्सरेशन होता है यानी कि फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का और टॉक्सिन्स का, और उसके साथ ही साथ ये लंग्स में जाके वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं, गैसेस जो टॉक्सिन्स गैसेस हैं, उनको लंग्स में रिलीज करता है, और वहां से ऑक्सीजन को लेता है, और ऑक्सीजन लेके फिर दोबारा से हार्ट में जाकर और हार्ट से पंप होके यही प्रक्रिया चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, हम जो ब्रीथ करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, उसमें मिक्स एयर लेते हैं। ये हवा में कई सारी गैसें होती है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, बहुत सारी गैसेस हैं, वो सारा मिक्स एनवायरनमेंट है, और उसको हम इनहेल करते हैं। ये इनहेल करके सीधा हमारे इस सिस्टम को कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसमें कई सारे अंग होते हैं, कई सारे टिश्यू होते हैं, और कई सारी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो जब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो हवा, हम जो नोस्ट्रिल से हवा को लेते हैं और लंग्स में जाती है, तो लंग्स में बाकी की गैसेस अलग हो जाती हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के साथ बाइंड अप हो जाती है, और ब्लड उसको कैरी करके हार्ट में जाता है, और हार्ट उसको पंप करके पूरे बॉडी में भेजता है, और बॉडी में जाके एक एक सेल्स में जाके वहां पे ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी बनती है। आप समझ पा रहे होंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन, ये जो सर्कुलेशन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये बाइंड अप कैसे होती है, ऑक्सीजन ही बाइंड अप कैसे होती है हमारे ब्लड में, बाकी की चीजें, बाकी की गैसें क्यों नहीं, क्योंकि हम तो मिक्स एयर ले रहे हैं, उसमें धूल के कण भी जा रहे हैं, मिक्स एयर भी जा रही है, दूसरी गैसेस भी जा रही हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही क्यों जाती है, जो हमारी लाइफ गैस होती है, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होती है ऑक्सीजन। आपने देखा होगा पिछले कोविड टाइम में ऑक्सीजन के लेवल को लेकर लोग बहुत घबराए हुए थे, और कई लोगों की डेथ हो गई इस चीज को लेकर कि उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया। लेकिन ये ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे ब्लड का कंपोनेंट्स होता है जो तीन सेल से होता है, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें होती हैं, जिनमें जो रेड ब्लड सेल्स है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, एक कंटेंट्स होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को बाइंड करना, यानी जैसे ही हमने सांस में लिया, लंग्स में मिक्स एयर गई, उसमें से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में अटैच हो जाती है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सारी ऑक्सीजन उसमें अटैच होके दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू एक एक सेल्स में जाती है, और ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी जरूरत है क्योंकि उसको प्राण वायु कहते हैं, और वहां पे जाके वो ऑक्सीडेशन करती है, और ऑक्सीडेशन के थ्रू एनर्जी निकलती है और हमारा सारा शरीर चलता है। तो आपको मैंने कई सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन के लिए महत्व बताया। अगर हम एक लेमेन बात करें, तो अगर
जो हमारा लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, रोड का ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें ट्रक चलते हैं और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन लॉरीज चलती है, वो बंद हो जाए तो जाम लग जाएगा और लोगों को सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएगा। उसमें अलग अलग तरीके का सामान होता है, जैसे हमारी बॉडी में मैंने अलग अलग तरीके की चीजें बताई, ऐसे ही रेलवे सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए, ट्रैक डिस्टर्ब हो जाए, जाम लग जाए, रेल खड़ी हो जाए, तो जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो जो लगेज वाला रेल होता है वो अगर बंद हो जाए तो एक जगह से दूसरी जगह सामान नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही एयर वाला, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन इतना इंपॉर्टेंट है, अगर 5 दिन, 3 दिन या 1 दिन भी ये बंद हो जाए ना, चक्का जाम हो जाए, तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा और लोगों की डेथ हो जाएगी। वैसे ही हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर चौक हो जाए, ब्लॉकेजेस आ जाए, तो शायद हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे हॉर्मोन्स, हमारा एनर्जी, हमारा ऑक्सीजन और हमारी दूसरी सारी चीजें, एंजाइम्स प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे और हमारी बॉडी की सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो आई थिंक आप लोग इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है और ये ट्रांसपोर्टेशन का हमारी बॉडी में क्या पार्ट है। ये है ब्लड। मेजर पार्ट क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? ब्लड। अब मान लीजिए हमारे ब्लड में दो वेन्स, दो दो तरह की नलियां होती हैं। एक होती है वेन्स जो जो ऑक्सी जो जो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो गंदे ब्लड को लेके हार्ट में आती हैं और हार्ट से किडनी में, किडनी से फिल्ट्रेशन यूरिन का हो जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है, वो वेन्स का काम है। और एक होती है हमारी आर्टरी जो हमारा ऑक्सीडेटिव ब्लड है, ऑक्सीजन जिसमें अटैच्ड है जिस ब्लड में लंग से, उसको लेके पूरी बॉडी में थ्रो करती है। तो वेन एंड आर्टरीज में हमारा ट्रांसपोर्टेशन चलता है। ये गंदे ब्लड को कलेक्ट करके लाती हैं, वो साफ ब्लड को पूरी ऑक्सीजन तक पहुंच पूरे सेल्स तक पहुंचाता है। अब मेरे को बताइए कि ये सर्कुलेशन किसी की बॉडी में, ये ब्लड का सर्कुलेशन किसी की बॉडी में डेड हो जाए या स्लो हो जाए या बंद हो जाए तो उसका क्या हाल होगा? डेफिनेटली वो डेथ की तरफ चला जाए। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अभी हो क्या रहा है कि ये चीजें बहुत बढ़ रही हैं। अब देखिए ये चीजें चलती इसलिए रहती हैं कि ये चीजें इसलिए चलती रहती हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हमारा रूटीन एक्सरसाइज रहता है, हमारा रूटीन में हमारी ईटिंग्स रहती है तो न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन में नहीं है इसलिए हमारा ठीक रहता है, और हमारा थॉट प्रोसेस ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, खाने की आदतें ठीक हैं, तो हमारा सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहता है। लेकिन आप मेरे को बताइए, क्या हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री है? क्या हमारी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल प्रॉपर हैं? हम जंक फूड नहीं खाते हैं? क्या हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है जिसमें हमारी प्रॉपर एक्सरसाइज होती है जो सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखती है? क्या हमारा थॉट प्रोसेस अच्छा है? क्या हम टेंशन नहीं लेते? क्या हमको एंजाइटी नहीं होती? क्या लोगों को बीपी नहीं होता? बताइए, ये सब हो रहा है मीन्स कि आपका सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। सो आप लोग देखिए हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में हम बात करते हैं। 1 मिनट में मैं बात करूंगा लाइफ स्टाइल की, कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, कैसे लोग काम करते हैं। जनरली लोग जॉब वाले लोग होते हैं, जॉब वाले लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं जो अपनी दुकान, शोरूम या इस पे बैठते, तो उन लोगों का, जॉब वाले लोगों का काम क्या होता है? वो सुबह उठते हैं, अपने बेड से सुबह उठते हैं, लेट उठते हैं या अर्ली उठते हैं, अर्ली तो उठते ही नहीं है, बिल्कुल उसी टाइम पे उठते हैं जब उनको जाना होता है। सुबह उठते हैं और उठ के सीधे बैठते हैं वो कमोड पे, यानी हमारा टॉयलेट सीट पे बैठ जाते हैं, उठे और बैठ गए टॉयलेट सीट पे, टॉयलेट सीट से बैठ के नहा धो के आते हैं और वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डाइनिंग टेबल से बैठ के वो अपनी गाड़ी की सीट पे बैठ जाते हैं, गाड़ी की सीट पे से उतर के वो अपने ऑफिस की सीट पे या दुकान की सीट पे बैठ जाते हैं, दुकान की सीट पे से जब शाम को
वापस आते हैं तो गाड़ी की सीट पे बैठ जाते हैं, गाड़ी की सीट से उतर के वो डाइनिंग टेबल की सीट पे बैठते हैं और फिर सोफे पे बैठ के टीवी देखते हैं और ये बैठने के बाद में वो सोने चले जाते हैं। ये एक आम आदमी का रूटीन है। अभी आप बताइए।